हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज हम रेडियोग्राफी के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में जानेंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है तो फ्रेंड्स सबसे पहले रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब हाउसिंग अराउंड द ट्यूब मतलब एक्सरे ट्यूब के चारों जो ट्यूब हाउसिंग होती है उसका क्या फंक्शन होता है ऑप्शन ए है केप हिट इनसाइड द ग्लास एनोलप ऑप्शन बी है हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन ऑप्शन सी है मिनिमाइज रेडिएशन लीकेज ऑप्शन डी है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक शॉक तो यहां पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज रेडिएशन लीकेज इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ट्यूब हाउसिंग होती है और यह रेडिएशन लीकेज को कम करता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ मतलब एक्सरे ट्यूब किस से बनी होती है ऑप्शन ए है पाइरेक्स ग्लास ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑप्शन सी है प्लेटिनम ऑप्शन डी है आयरन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स ग्लास इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ट्यूब होती है वह इस पायरेक्स ग्लास से बनी होती है और इस पायरेक्स ग्लास के अंदर एनोड और कैथोड होते हैं और इस ग्लास के ऊपर ट्यूब हाउसिंग होती है पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मेनी पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन मतलब ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व के कितने पैर्स होते हैं ऑप्शन ए है थर्टी थ्री ऑप्शन बी है थर्टी वन ऑप्शन सी है थर्टीन ऑप्शन डी है ट्वेल्व तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्टी वन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल में एट पैर्स होते हैं थोरेसिक में ट्वेल्व पैर्स होते हैं लंबर में फाइव पेयर्स होते हैं और सेक्रल में फाइव पेयर्स होते हैं और कॉक्सीजियल में वन पैर होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है देर आर हाउ मैनी डिस्क इन ए टीएलडी क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीएलडी में कितने डिस्क होते हैं ऑप्शन ए है वन ऑप्शन बी है टू ऑप्शन सी है थ्री ऑप्शन डी है फोर तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्री यहां पर टीएलडी का मतलब डोसिमीटर होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहां पर टीएलडी कार्ड में थ्री डिस्क होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट आर द पेट स्कैन मतलब पेट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन ए है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी ऑप्शन बी है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी ऑप्शन सी है पल्सेटाइल एमिशन टोमोग्राफी ऑप्शन डी है नन ऑफ द अब तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है ऑप्शन ए है कार्पल ऑप्शन बी टार्सल ऑप्शन सी पटेला ऑप्शन डी है स्टेपेज इस तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टेपेज इस, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है, स्टेपीज बोर्न होती है क्वेश्चन नंबर सेवन है द बैकग्राउंड कलर इन रेडिएशन प्रोटेक्शन सिंबल एज मतलब रेडिएशन प्रोटेक्शन के सिंबल का बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है ऑप्शन ए है येलो ऑप्शन बी है रेड ऑप्शन सी है ब्लू ऑप्शन डी व्हाइट तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए येलो इस डायग्राम में आप जो इमेज देख रहे हैं यह रेडिएशन है प्रोटेक्शन का सिंबल होता है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो होता है क्वेश्चन नंबर एट है एक्सरे वेर डिस्कवर्ड बाई मतलब एक्सरे को किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है ऑप्शन ए है बेक्यूरल ऑप्शन बी है रोनजन ऑप्शन सी है मेरी क्यूरी ऑप्शन डी है लाउटेरबर तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोंजन फ्रेंड्स ये है जो आप इमेज देख रहे हैं यही डब्लू सी है इन्होंने ही 8 नवंबर 1895 को एक्सरे को डिस्कवर किया था क्वेश्चन नंबर नाइन है पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इन एग्जामिंड इन यूएसजी बाय बाई मतलब यूएसजी में ब्लड फ्लो के पैटर्न का एग्जामिनेशन किसके द्वारा किया जाता है ऑप्शन ए है सिटी स्कैन ऑप्शन बी है ग्रेडियंट ऑप्शन सी है डॉपलर ऑप्शन डी है एक्सरे इमेज तो यहाँ पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉपलर डोपलर अल्ट्रासाउंड एक नॉन इनवेसिव टेस्ट होता है जिसका यूज ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड फ्लो का पता लगाने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर टेन है एनी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लोअर एबडोम एंड पेलविश ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज शुड बी कंडक्टेड विद इन स्पेस डेज फ्रॉम द ऑन सेट ऑन मैंटक्शन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैंस्ट्रू एक्शन मतलब मासिक धर्म की शुरुआत के कितने दिनों के भीतर रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन को लोअर एबडोमन और पेल्विस की कोई रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए ऑप्शन ए है सिक्स डे ऑप्शन बी है सेवन डेज ऑप्शन सी है फिफ्टीन डेज ऑप्शन डी है टेन डेज तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेन डे फ्रेंड्स यहां पर टेन डे रूल फॉलो होता है उसमें वुमेन के मानसिक धर्म के टेन डे के भीतर ही रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर इलेवन है ऑफ द द फॉलोइंग क्रिस्टल्स आर फॉर जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल अल्ट्रासाउंड वेव की जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन ए है लिथियम ब्रोमाइड क्रिस्टल्स ऑप्शन बी है सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल्स ऑप्शन सी कैल्सियम सल्फाइड क्रिस्टल्स ऑप्शन डी पेजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है ट्रांसड्यूसर होता है और इसमें यह पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं क्वेश्चन नंबर टूल है हु इन्वेंटेड सिटी स्कैन मतलब सिटी स्कैन का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी ऑप्शन बी डब्ल्यू सी रॉन्जन ऑप्शन सी जीएन हाउसफील्ड ऑप्शन डी इशाक न्यूटन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी जी एन हाउसफील्ड इस डायग्राम में आप जो इमेज देख रहे हैं यह जीएन हाउस साइंटिस्ट है इनका पूरा नाम सर गोड फ्रे न्यू बोल्ड हाउस है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द अल्लारा प्रिंसिपल अप्लाइज टू वाट एस्पेक्ट ऑफ रेडियोलॉजी यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अल्लारा प्रिंसिपल होता है वह रेडियोलॉजी के किस पहलू पर लागू होता है ऑप्शन ए है रेडिएशन सेफ्टी ऑप्शन बी क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस ऑप्शन सी है कॉन्ट्रास्ट मीडिया सेफ्टी ऑप्शन डी है वर्कप्लेस एथिक्स एंड एब्यूज प्रिवेशन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडिएशन सेफ्टी। यहां पर अल्लारा का फुल फॉर्म अस्लो अस रीजनेबली अचीवेबल होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कैथोड में निम्न में से क्या होता है ऑप्शन ए है टारगेट एंड स्टैम्प ऑप्शन बी फिलामेंट एंड फॉक्सिंग कप ऑप्शन सी टारगेट एंड रोटर ऑप्शन डी प्रोटेक्टिव हाउसिंग एंड सपोर्ट तो यहां पर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिलामेंट एंड फॉक्सिंग कप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है कैथोड होता है और यह फॉक्सिंग कप और इस फिलामेंट से बना होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट सिक्सटी एज मतलब कोबाल्ट सिक्सटी की हाफ लाइफ कितनी होती है ऑप्शन ए है सिक्स पॉइंट टू सिक्स ईयर्स ऑप्शन बी फाइव पॉइंट सिक्स सेवन ईयर्स ऑप्शन सी फाइव पॉइंट टू सिक्स ईयर्स ऑप्शन डी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ईयर्स तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5.26 पॉइंट टू सिक्स सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स अगर आपको और भी मॉडल पेपर चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं